हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिल्कुल पहलू में बैठे हैं साथ। थोड़ी ही देर गुजरी कि हज़रत मौला अली शेर खुदा तशरीफ़ ले आए। एक होता है अदब की तकरीर करना, अदब का वाज करना, नसीहत करना, कहना, नारे लगाना। एक होता है अदब करके दिखाना, प्यार करके दिखाना। मैंने कहा उनका जो दर्जा है वो उम्मत जानती है, लेकिन हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम जैसे ही तशरीफ लाए ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ज़रा अपनी जगह से हटे और उनका बाजू थाम के अपने और नबी करीम के बीच उन्हें बिठा लिया। अब जब वो बीच बैठ गए ना, बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, ये अंदाज देख रहे थे। बाजू का तो आपकी तकरीर इतनी रिक्कत नहीं तारी करती जो आपका अमल तारी कर जाता है। आपके करने से कई दफ़ा मैं अक्सर कहता हूँ घर के अंदर नमाज का लेक्चर नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं घर के अंदर नमाज की तकरीर शुरू कर देते हैं, घर में मुसल्ला बिछा के नफल पढ़ें, इंशाल्लाह जो ढाई तीन साल का बच्चा होगा वो भी आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। कुछ काम करने से फ़ायदा देते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपने और नबी करीम अलैहिस्सलाम के बीच मौला अली को बिठा लिया। अल्लाह अकबर। बहुत सारे लोग थे, कोई क्या तबसरा करता, कोई क्या कहता, ये दरवाज़ा महबूब था, किसी को जरूरत ही नहीं थी कि कोई बोल सके। अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद ही बोले, सरकार ने इस पर खुद ही कलाम फरमाया। जब देखा ना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जगह दे दी है और जनाबों अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा को बिठा लिया है, अल्लाह के महबूब फरमाने लगे, देखो भाई कदर वाले ही दूसरों की कदर पहचाना करते हैं, कदर वाले ही दूसरों की कदर पहचाना करते हैं। भाई अदब करें, पहली बात प्यार करें, दूसरी बात एहतराम।